एक और भक्त की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उससे बड़े परेशान, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस, खूब खाए और पड़ा रहे। अब जो खूब खाएगा तो करेगा क्या, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वालों ने कहा निकल जाओ यहां से, दो ढाई शेर खाते हो एक बार में बैठकर, काम कुछ करते नहीं, बेचारा अब जाए कहां। सो एक महात्मा दिखाई दिए मंदिर के बाहर बैठे, महात्मा बड़े तंदुरुस्त थे, महात्मा होते ही प्रसन्न अपना मस्त। उसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे तब तो इतने तंदुरुस्त हैं, मोटे। गया, बोले महाराज अब तब तक दो चार उनके चेला निकले साधु, वो लोग भी ऐसे ही आ रहे, बोले यहां तो सब ऐसे ही ऐसे हैं। तब बोला महाराज हमको भी चेला बना लो। महात्मा बोले रहो, मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दी, नाम रख दिया, काम कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आरती में खड़े रहा करो, राम राम किया करो। और पंगत बोले दो समय होती, खूब प्रेम से करो। तो मैं दो पंगत में, तुम चार पंगत में बैठो, कोई हर्ज नहीं। उसको लगा ये बड़ा अच्छा, कुछ कर नहीं, नहीं खूब खाने को मिलना, मंदिर में ही रह गया। पर उसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आएगी। एक दिन सवेरे से कुछ बने ही नहीं, भंडार में सब ऐसे ही चूल्हे पड़े ठंडे, कुछ नहीं। महाराज आज कुछ बन नहीं रहा। अरे बोले तुम बताना, आज एकादशी है। तो बोले एकादशी का मतलब न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। तो वो बोला हमको भी नहीं मिलेगा। बोले हाँ तुम्हें भी, बोले चेला बहुत है उनसे कराओ, हमको काहे को। बोले नहीं वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बोले हमें अगर आज एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही शाम तक समाप्त। महात्मा बोले भाई बहुत कठिनाई है महाराज, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। महात्मा बोले तो आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे। महात्मा बोले जाओ भंडार से सामग्री ले लो। अब उसने ढाई शेर आटा आलू नमक मिर्च मसाला घी जो कुछ लेकर, महात्मा बोले देखो तुम वैष्णव हो गए हो, वैसे तो नहीं बनाना चाहिए भोजन, लेकिन चलो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। ठीक है महाराज। जल्दी जल्दी में उसने सामान समेटा, कहा वहां जाना नदी किनारे इस पेड़ के नीचे। हाँ पहुंच गया। अब जैसा बना बिचारे से वैसा भोजन बनाया, आलू का चोखा और सब गुड़ घी सब तैयार करके, इतना अब आना ही चाहता था, भूख और लगाई, रोज तो बना बनाया मिलता था, आज तो बनाना पड़ा। अब याद आया गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना, अब कितना सरल, तुरंत बुलाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा। नहीं आए भगवान तो क्या बोला, आचमनी अर्घान आरती यहां यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बोले यहां तो नदी का पानी है, रूखी रोटी, आना है तो जल्दी आ जाओ, हमको भूख लग रही है। भगवान नहीं आए। तो बोला पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं, फिर भी नहीं आए भगवान। तो एक सरलता से बात कही, उस पर रीझ गए प्रभु। बोले सुनो हम समझ गए आप इसलिए नहीं आ रहे कि रूखी रोटी खाने काहे को जाए नदी का पानी, मंदिर में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। तो बोला भगवान उस धोखे में मत रहना, वहां से तो जान बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, भोजन का। मंदिर में एकादशी है तो यहीं आ जाओ। और इस सरलता पर नवम सरल और मम भरोस की भगवान आएंगे, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं,
जितना वो सरल भगवान वैसी लीला करने को तैयार, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भा, राम वाम दिस जाने, श्री सीता राम जो देखा तो भगवान की सुंदरता श्री सीता मैया देखकर प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया कि गुरुजी ने तो एक भगवान के लिए कहा था, ये तो दो आए हैं। अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे। भगवान ने कहा क्यों आ गए ना? बोले हाँ आ गए सो तो ठीक है, लेकिन जो है तो बैठो। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कि एक का इंतजाम करना है, लेकिन आप दो आए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो एकादशी आप करा ही दोगे हमारी, जो कुछ है आप विराज हो। भगवान बैठ गए। कितनी सरलता से इन कथाओं पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सरल नहीं है। भगवान श्री सीताराम जी बैठ गए, उनके सामने परोस दिया, कहने लगा मैं कुछ भूखा तो रहूं, लेकिन आपको देखकर लगा बहुत अच्छा, पर एक काम करना, अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, मैं इंतजाम और ज्यादा करके रखूंगा अगली एकादशी को, लेकिन इतना इतना परेशान मत करना, जल्दी आ जाना। भगवान बोले आ जा। उसने आकर गुरुजी से कुछ नहीं कहा, इतना सरल था, वह तो समझता था भगवान आते ही ऐसे ही होंगे। अगली एकादशी को बोला कि गुरुजी कुछ सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले क्यों? बोले वहां दो भगवान आते। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा है, बोले बढ़ा दे एक सेर आटा और सामान और बढ़ा दो। अब वो 3.5 सेर आटा लेकर और सब बनाया उसने और बुलाया, भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही उसने कहा राजा राम आइए, अब कहने लगा सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। और सही बात, जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए, लेकिन राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी हो, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज। और जो उसने तीन को देखा सो बोला हद हो गई, एक को बुलाओ तो दो आते और दो का इंतजाम करो तो तीन आते, ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई सचमुच है? लगते तो नहीं ना स्वरूप से ना स्वभाव से, कहीं से पकड़ लाए क्या कोई? बोले नहीं नहीं हमारे छोटे भाई हैं। ऐसे क्यों कहते हैं छोटे भाई हैं? तो हाथ जोड़कर बोला प्रभु बुरा न मानना, छोटे भाई हैं सो अच्छा है, आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, दो आए, अब ये भाई साहब आ गए। अब राम जी खूब हंसे जानकी मैया को, लक्ष्मण जी को लगेगा अच्छी जगह ले आए भगवान, क्या स्वागत हुआ है आते ही आते। लेकिन वो बोला क्या कहूं, भूखा भले ही रह जाऊं, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब बैठो आप तीनों ही बैठो, पाओ जो कुछ है, एक ही ज्यादा है, दो का इंतजाम तो है ही, पाया कुछ मिला। भगवान खूब हंसते रहे, लक्ष्मण जी भी बहुत। अब जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रखे, आंखों में आंसू आ जाए, लगते आप बड़े सुंदर, लेकिन एक काम करो अगली एकादशी को अभी से बता जाओ कितने आओ, ताकि उतने ही हम इंतजाम कर लें, बस यही झंझट है, बाकी और कोई झंझट है, पहले से बता दिया करो कि कितने हो तो वैसे इंतजाम कर। भगवान बोले हम आ जाएंगे। आया तो भी नहीं कहा गुरु जी से, सोचा कुछ दिन तो आराम से बीते। अब अगली फिर एकादशी, गुरु जी बोले आज एकादशी है, चेला बोला है, उदास क्यों? अरे बोले महाराज वहां बहुत लोग आते हैं तो क्या करें? बोले हमारा 7 सेर आटा करो कम से कम। 7 सेर? हाँ, और उसी हिसाब से सब सामान। गुरु जी समझ गए इतना तो ये खा नहीं सकता, ये बेचता होगा जरूर।
गुरु जी बोले सात नहीं आठ सिर दे दो, ले जाने दे से, अब पीछे पीछे चलेंगे देखते हैं क्या करता है। ले गया सारा सामान, पर ये भक्त भी बड़ा विचित्र सरल आदमी, आज इसने सामग्री रख ली, भोजन बनाया नहीं, सोचने लगा पहले बुलाकर देख लूं कितने हैं उस हिसाब से बनाऊंगा। भोजन बनाया नहीं और पहले ही बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रकट भो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा तो भगवान श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी साथ। और जो इसने देखा सो बोला जय हो जय हो। लेकिन एक बात सुन लो, क्या एक को बुलाए तो दो आए, दो का इंतजाम किया तो तीन आए, आज तो हद कर दी साहब इकट्ठ। लेकिन हमारी भी बात सुन लो, क्या हमने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा सामान सो बनाओ और खाओ। भगवान बोले क्यों तुम क्यों नहीं बनाते, बोले जब हमें मिलने ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ, आप ही बनाओ और पाओ। मोते नहीं बनत बनाए भोजन आप, बना बहु अपने बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम केते समझाए। हमने कितना समझाया, आप अपनी आदत छोड़ते नहीं हो और आज तो हद कर दी। नर नारिन की कौन कहे, हनुमान जी की ओर देखकर बोला, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत, हमसे नहीं बनता है। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए, जब सन्मुख आई फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मुहे परत दिखाई। भगवान खूब हंसे, बोला हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ लगाओ शुरुआत करो। बैठ गया वृक्ष के नीचे, भगवान बोले भाई भक्त की राजी आज बनाओ। भोजन व्यवस्था किसने संभाल ली, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोता लगाने लगे, चेते चूल्हे इधर और उधर, शत्रुहन साग भाजी अमनिया कराने लगे। और स्वयं जानकी माता आकर बैठी, तो सीता मैया को बैठे देखा तो अनेक सिद्ध महात्मा प्रकट हो गए, मैया हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब ये तो आंख बंद किए बैठा था, पूछा कि आंख बंद क्यों किए बैठे, बोले जब मिलने ही नहीं है तो हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते कि किसी और को मिले। आवाज सुनी तो आंख खोली तो कई महात्मा दिखाई दिए, बोले थोड़ा बहुत कुछ बचता भी तो ये नहीं बचने देंगे। पाके संकेत शक्ति का, जत्थे वहां
अष्ट सिद्धियों नव निधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे। गुरु जी आए पीछे से कि देखें ये सामान का क्या करता, तो गुरु जी को कोई न दिखे, चेला बैठा दिखे और सामान रखा दिखे। गुरु जी आए, बच्चा क्या हो रहा है? बोले गुरु जी भले आए, देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए आपने, इतने बैठे। गुरु जी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा, सामान दिख रहा है, तुम दिख रहे। अब भगवान मुस्कुराए तो रोकर बोला कि ये दोहरी मुसीबत है, एक तो गुरु जी ने तो करा नहीं पाई, आज आपने हमारी पूरी एकादशी करा दी और उस पर भी गुरु जी को पता नहीं लगने दे रहे हो, इनको भी दिखो। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? वो तो हमारे गुरु जी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, वे तो सब कुछ जानते हैं, इतने महान हैं। भगवान ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारे गुरु बहुत महान है, तुम्हारे गुरु बहुत योग्य विद्वान है, भजनानंदी हैं, फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूंगा, तुमको ही दिखूंगा, तुम पूरी तरह अयोग्य तो भी। क्यों? आखिर क्या बात है? उन्हें तुम्हारे गुरु जी में सब विशेषताएं हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो वो सरल नहीं है, और मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूं। नवम सरल सब सन छलहीना। गुरु जी ने पूछा कि क्या बात है? तो चेला बोला भगवान ऐसे कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। और गुरु जी को इस बात पर रोना आ गया कि सचमुच सब कुछ जीवन में मिला लेकिन सरलता नहीं मिली, और जिससे भगवान मिलते थे वही नहीं मिला। और गुरु जी भाव विवल होकर रोने लगे, तो भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया। भगवान तो इस सरलता पर रीझते हैं, इसलिए भगवान ने कहा नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना।